सभी को नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल स्टडी सर्ची में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम NCERT की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 3, जिसका पहला पाठ के आज दूसरे श्लोक का हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पोच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। पुनः उच्चारण करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पोच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। प्रिय छात्राः, अब हम इस श्लोक का अन्वय करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः जनः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशुः तृणं न खादन् अपि पशुरिव जीवमानः अस्ति तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। छात्रों, अब इस श्लोक के शब्दार्थ देखेंगे। साहित्य अर्थात रचना अथवा लेखन कला, संगीत संगीत शास्त्र इत्यादि का ज्ञान होना, कला कौशल का ज्ञान होना, विहीनः विना साक्षात् पशु प्रत्यक्ष जानवर, पुच्छ पूछ, विषाण सींग, हीनः बिना, तृणम तिनका अथवा घास, ना खादन नपि ना खाते हुए भी, तद वह पशु नाम पशुओं का परमम परम भागधेयम भाग्य है अस्ति है। बच्चों, अब हम शब्दार्थ के साथ श्लोक का अनुवाद करेंगे। साहित्य रचना अर्थात लेखन साहित्य की जानकारी होना, जैसे गद्य पद्य उपन्यास, बहुत सारी चीज़ें जो कि साहित्य के अंतर्गत आती हैं उनकी जानकारी होना। संगीत वाद्य यंत्र गायन पद्धति तो संगीत संबंधित समस्त विषयों की जानकारी होना। कला अर्थात जीवन जीने के कौशल, इन सब चीज़ों से विहीन अर्थात रहित जिस व्यक्ति के पास साहित्य की जानकारी नहीं है, संगीत से अनभिज्ञ है तथा जीवन जीने की अन्य कलाओं को भी नहीं जानता, वह मनुष्य साक्षात पशु अस्ति, वो साक्षात पशु है। कैसा पशु है? पुच्छ विषाण ही नहा, जो बिना पूंछ और सींग के है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो व्यक्ति साहित्य अर्थात पढ़ाई लिखाई इत्यादि से दूर है, संगीत अर्थात गाने अथवा बजाने से दूर है तथा जीवन जीने की अन्य कला, कला कई प्रकार के होते हैं। एक खिलाड़ी का खेलना उसका कला है, साइकिल को जो बनाता है वह भी उसकी एक कला है, किसान जो कि कृषि कार्य करता है वो उसकी कला है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कलाएं हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला इन सब से विहीन है वो साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? जो बिना पूंछ और सींग के है, क्योंकि शायद मनुष्य में पूंछ और सींग देखने को प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। आगे देखेंगे, तृणम ना खादन अपि जीवमानः तद भागधेयम् परमं पशूनां। जो मनुष्य साक्षात पशु है, जिसको साहित्य संगीत के बिना, जिसे
पशु की उपाधि दी गई है। वह मनुष्य तृणम ना खादन्नपि, वह तृण अर्थात घास को नहीं खाता है फिर भी जिंदा रहता है, बिना घास के खाते हुए भी वह जिंदा रहता है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, यह तो उन पशुओं का परम भाग्य है अर्थात सौभाग्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य रूपी पशु भी घास खाता तो शायद पशुओं के लिए घास खाने के लिए उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि उन पशुओं का परम सौभाग्य है जो कि मनुष्य रूपी जो पशु है वो घास को नहीं खाता है। अब हम लोग चित्र के माध्यम से इसी श्लोक को और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए चलते हैं आगे। छात्रों, जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा कि जो मनुष्य रूपी जो पशु है वो साहित्य अर्थात लेखन शैली, रचना शैली या पढ़ाई, अगर हम साधारण भाषा में कहें कि पढ़ाई लिखाई से जो दूर है, संगीत जो गाने बजाने से दूर है, कला अर्थात जीवन जीने की, जैसे चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कुम्हार का चित्र है जो कि घड़े का निर्माण कर रहा है। यह इसकी एक कला है जिसके द्वारा वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन इन सबसे रहित अगर कोई मनुष्य है तो उसकी तुलना साक्षात पशु से की गई है। और पशु भी कैसा, जो पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाण अर्थात सींग से रहित है। अर्थात वह मनुष्य बिना पूंछ बिना सींग के साक्षात पशु के समान है। आगे देखते हैं। यहाँ पर छात्रों आप दो चित्र आपके सामने हैं, इसमें ऐसे मनुष्य जो कि पशुवत बताए गए हैं और एक ऐसे जो कि प्रकृति से ही पशु हैं। नीचे देखेंगे तत् पशु नाम परमम भागधेयम अस्थि, इन पशुओं का परम सौभाग्य है। क्या परम सौभाग्य है, जो हमने पीछे श्लोक में पढ़ा है, तृणम ना खादन अपि जीवमानः, यह जो मनुष्य रूपी पशु हैं ये घास को ना खाते हुए भी जिंदा हैं। अर्थात पशु की संज्ञा इनको जरूर दी गई है परंतु ये घास नहीं खाते हैं, ये इन पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। आइए आगे देखते हैं। अब हम इस श्लोक को सरलार्थ को जानेंगे। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात नाखून अथवा पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। और ये पशुओं की खुद किस्मती है कि वो उनकी तरह घास नहीं खाता है, अर्थात उनका ये परम सौभाग्य है। आगे देखेंगे। एक बार पुनः इस श्लोक को हम लोग लय गति यति और विराम के माध्यम से उच्चारण करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पोच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां। बच्चों, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग इसी श्लोक को लिखेंगे, उसका अन्वय लिखेंगे, उसके बाद उसका सरलार्थ लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे। इस तरीके से आप लोग अपनी एक उत्तर पुस्तिका बनाएंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः मिलामः। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और हो सके तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।